बसमिलीम अलकुम स्टूडेंट्स टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिस इज़ ऑफ अकाउंटिंग बेसिक्स तो इसमें हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितनी टाइप्स की होती हैं और फिर आई विल ट्राई टू सॉल्व एट लीस्ट वन क्वेश्चन रिलेटेड टू दिज बुक्स तो चलते हैं फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स कितनी टाइप्स की होती हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द बुक्स ऑफ अकाउंट्स बिकॉज इफ यू डोंट नो द बुक्स ऑफ अकाउंट्स यू कैन अंडरस्टैंड द अकाउंटिंग प्रोसेस इन अ बिजनेस कि अकाउंटिंग कैसे बिजनेस में रिकॉर्ड होती है कैसे ट्रांजेक्शन को पोस्ट किया जाता है रिकॉर्ड किया जाता है ये आपको समझ नहीं आएगी अगर आपको बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं आती तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स नंबर वन जर्नल्स द अदर नेम ऑफ द जर्नल इज द डे बुक्स One more name of the uh, 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 journals is the Books of Prime Entry. There are three different names for, used for this book. First is the journal, second, day books, third, Books of Prime Entries. I will explain why they are using three different names for the same book. The second uh, book of account or Books of Account, Ledgers. Ledgers are the T accounts. लेजर्स जो है वो आपके टी अकाउंट्स होते हैं और ये वी हैव प्रिपेयर्ड इन बेसिक्स अकाउंटिंग बेसिक्स लेक्चर्स वी डिस्कस जर्नल एंट्रीज एंड देन वी प्रिपेयर्ड द लेजर अकाउंट्स तो लेजर अकाउंट्स आर प्रिपेयर्ड इन द लेजर बुक नो आई एम गोइंग टू डिस्कस फर्स्ट द डे बुक्स और जर्नल्स जर्नल इज द अकाउंटिंग नेम ऑफ दिस बुक दिस अकाउंटिंग बुक इज आल्सो नोन एज डे बुक्स और उसकी रीजन ये है कि ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डिड इन दिस बुक ऑन डेली बेस एट द एंड बुक कीपर विकॉर्ड द्रांजेक्शन इन द रेलिट जर्नल्स डेट्स वाई जर्नल्स आर आल्ल डे बुक्स बिकॉज द ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्ड इन जर्नल्स ऑन डेली बेसिस तो इसलिए इन्हें डे बुक्स भी कहते हैं The second reason why we call uh, call it uh, books of prime entry, the first book which used to record the transactions from the documents, jo, uh, transactional documents, hai, accounting transactions, ke liye different documents used I have discussed these documents in my another video in which I discussed that different documents used uh, for the evidence of different business transactions. तो उन डॉक्यूमेंट से जो हम वैल्यूज पिक करते हैं या ट्रांजेक्शन पिक करते हैं तो वो जो फर्स्ट बुक है जिसमें रिकॉर्ड होती है वो ये जर्नल्स होते हैं दैट्स वाई दीज जर्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज मीन दिस इज द बेसिक रिकॉर्ड ऑफ द ट्रांजेक्शन अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन या फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन तो ये फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन का बेसिक रिकॉर्ड है इनमें इसलिए इन्हें बुक्स ऑफ प्राइम एंट्रीज भी कहते हैं एंड ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड ऑन डेली बेसिस दैट्स वाई जर्नल्स आर ऑल्सो कॉल्ड डे बुक्स तो जर्नल उनका एक अकाउंटिंग नेम है उस बुक का जर्नल उनको बेसिकली कहते हैं और बाकी ये नेम उनकी एक्टिविटीज या उनके फंक्शंस की वजह से यूज uh, किए जाते हैं शेप ऑफ दीज अकाउंट लाइक टी ऊपर एक लाइन होती है और एक सेंटर में लाइन होती है लेफ्ट साइड विल इज कंसिडर एज अ डेबिट साइड एंड राइट साइड इज कंसिडर एज अ क्रेडिट साइड तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड टी अकाउंट बिकॉज द शेप ऑफ द लेजर अकाउंट इज सिमिलर टू द अल्फाबेट टी इंग्लिश अल्फाबेट टी उससे सिमिलर है दैट्स वाई दिज आर कॉल्ड लेजर टी अकाउंट्स Now, I am going to discuss the journals first, or uh, you can say day books. There are six types of day books or journals. Number one, cash book or cash journal. Cash journal includes cash bank transactions, all transactions in which the movement of cash through bank or through check. विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनमें जो ट्रां अगर आपके कैश मूवमेंट इन्वॉल्व है इन फ्लो ऑफ कैश और आउटफ्लो ऑफ कैश इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ चेक चेक इज ऑल्सो कंसिडर एज अ मोवमेंट ऑफ कैश थ्रू द बैंक तो बोर्ड ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश जर्नल और कैश बुक एंड कैश डिस्काउंट और ऑब्वियसली इंटरलिंक विद द पेमेंट्स एंड रिसीट्स ठीक है जो कैश पेमेंट्स और रिसीट्स होती हैं उनसे कैश डिस्काउंट रिलेटेड होता है तो कैश रिकॉर्डेड इन द कैश जर्नल एंड देर इन दिस्काउंट लेक्चर देर आर टू टाइप्स वन इज द डिस्काउंट अलाउड एंड अदर इज द डिस्काउंट रिसीव दिवन टू द्रेडिट कस्टमर इज कॉल्ड अलाउड एंड द डिकाउंट रिसीव फ्रॉम द क्रेडिट कस्टमर इज सॉरी क्रेडिट सप्लायर डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम द क्रेडिट सप्लायर्स इस कॉल डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड टू द क्रेडिट कस्टमर वेन दे विल पे टू अस जब वो हमें पे करेंगे तब हम उन्हें डिस्काउंट देंगे दैट्स वाई वो पेमेंट के साथ रिलेट हो गया ऑन द अदर हैंड वेन वी विल गो टू पे द अमाउंट टू द पेबल्स ट्रेड पेबल्स और सप्लायर्स देन वी विल रिसीव द डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिट सप्लायर्स तो वो डिस्काउंट रिसीव हो जाएगा मीन्स के मैंने आपको पहले बताया कि डिस्काउंट्स ये जो होते हैं कैश डिस्काउंट्स ये हम हमारे पास इनकी इंफॉर्मेशन आती है या इन जो एक्टिव आकर होते हैं ये तब होते हैं जब हम कैश पेमेंट करते हैं या कैश रिसीव करते हैं दैट्स दे विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बिकॉज ऑल कैश एंड बैंक इन्वॉल्व ट्रांजेक्शन द कैश जर्नल एंड वन मोर थिंग बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ डे बुक और जर्नल वन ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन ओनली वन डे बुक और वन जर्नल वन ट्रांजेक्शन विल नेवर रिकॉर्ड इन टू जर्नल ओके मैं रिपीट कर रहा हूं वन ट्रांजेक्शन विल नेवर रिकॉर्ड इन टू जर्नल एक ट्रांजेक्शन एक ही जर्नल में रिकॉर्ड होगी ओके कैश एंड बैंक इन वॉल्व ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश जर्नल एंड ऑन दर हैंड द नेक्स्ट टाइप ऑफ द Uh, journal is the purchase journal, and it includes the credit purchases of goods. Means, if we bought goods on cash, yeah, for cash. If we bought goods for cash, so uh, in that transaction, cash is involved, and this transaction will be recorded in the cash journal. If we bought goods on credit, then this transaction will not record in the cash book because there is no involvement of cash in this transaction. सो दिस ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज मीन्स बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बट रिमेंबर वन थिंग ओनली बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज बॉट नॉन करेंट एसेट्स ऑन क्रेडिट विल नॉट रिकॉर्ड इन द परचेज जर्नल सिर्फ गुड्स की जो है गुड्स फॉर रीसेल जो होती हैं उनकी परचेजेज और परचेजेज जर्नल में लिखेंगे नॉन करंट एसेट्स की क्रेडिट परचेजेस वो यहां नहीं आएंगी वो कहा आएंगी आई विल डिस्कस इट लेटर कि वो कहा रिकॉर्ड करेंगे बट हियर वी जस्ट ओनली रिकॉर्ड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स द नेक्स्ट डे बुक इज और जर्नल इज द सेल्स जर्नल इंक्लूड क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स सेम लाइक परचेज वी विल रिकॉर्ड द क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स मीन गुड्स की जो उधार पे सेल है क्रेडिट सेल्स है We will record these transactions in the sales journal. And if we sold goods for cash, then this transaction will be recorded in the cash journal. KCB transaction any transaction in which cash or check is involved, then that transaction will be recorded in the cash journal or cash day book. Okay. In sales journal, we will record the credit sales of goods, not non-current assets.

एंड दीज गुड्स विल बी रिकॉर्डेड इन द परचेज हमने कोई गुड्स बाय की सुटेबल नहीं थी एंड नो वी आर गोइंगीज गुड्स द रिटर्न ऑफ दीज गु इन द परचेज एंड रिटर्न आउटवर्ड जर्नल मीन्स वी रिटर्न द गुड आउट ऑफ द बिजनेस दैट इज दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड रिटर्न आउटवर्ड जर्नल हमने जो पेमेंट की है वो आउटवर्ड पेमेंट नो

इंक्लूड्स द सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स अगेन इट इंक्लूड्स सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स एंड वाई वी कॉल इट रिटर्न इनवर्ट जर्नल बिकॉज वी सोल्ड गुड्स टू दस्टमर एंड नो दे रिटर्न गुड्स टू अस एंड वी रिसीव दीज रिटर्न गुड्स दैट वाई इट इज कॉल्ड रिटर्न इनवर्ट क्योंकि रिटर्न होकर चीजें वो हमें मिल रही है ठीक है वी आर रिसीविंग द रिटर्न गुड्स

Credit purchases of goods will be recorded in the purchases journal. <coughs> Credit sales of uh, goods were recorded in the sales journal. Return outward were recorded in the purchases, return outward journal. And sales returns of goods were recorded in the return inward journal. The remaining all transactions will be recorded in the general journal. This is also called the journal. The journal. जनरल जर्नल को द जर्नल भी कहते हैं एंड आई एम गिविंग सम एग्जांपल्स एग्जांपल्स फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांजैक्शंस विच विल बी रिकॉर्डेड इन द जनरल जर्नल और जर्नल द फर्स्ट वन इज द क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ द नॉन करंट एसेट्स दीज ट्रांजेक्शन आई हैव टोल्ड यू क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स विल बी रिकॉर्डेड क्रेडिट सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन द सेल्स जर्नल Uh, credit sales of goods will be recorded in the sales journal credit purchases of goods will be recorded in the purchases journal but credit sales of non current assets will be recorded in the uh, general journal and credit purchases of non current assets will be recorded in the general journal and credit sales will be recorded uh, of non current assets will be recorded in the general journal general, general. all kind of provisions like provision for bad debts Provision for depreciation because these are assumed fi figures or uh, estimated figures, and these are there is no movement of cash against these provisions. So, these figures, uh, uh, items, or these transactions will be recorded in the general journal. And explanation of errors any kind of errors in different accounts and in different entries, and you want to give the explanation of these errors, you will give the explanation of. जनरल जर्नल तो आप उसकी एक्सप्लेनेशन भी जनरल जर्नल में एरर्स की एक्सप्लेनेशन या एरर्स की जो एंट्रीज हैं वो भी जनरल जर्नल में होंगी और उसके अलावा ऑल काइंड ऑफ प्रोविजन सेल्स ऑफ नॉन करेंट एसेट्स ऑन क्रेडिट विल बी रिकॉर्डेड इन द जनरल जर्नल और कोई भी ट्रांजेक्शन जिसमें कैश एंड बैंक इन्वॉल्व होगा विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश जर्नल आई होप कि आपको इनका कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा आई एम मूविंग टू द आई एम गोइंग टू डिस्कस स्लाइटली इन डिटेल कैश बुक का मैं आपको थोड़ा डिटेल कॉन्सेप्ट दे दू ठीक है बाकी आई विल डू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द कैश बुक बिकॉज कैश बुक इट्स सेल्फ आ डि टॉपिक आई विल डू द क्वेश्चन ऑफ कैश बुक बल्कि आई डिड द क्वेश्चन ऑफ कैश बुक इन माई अनादर वीडियो आई विल गिव द लिंक ऑफ दट वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड ऑल्सो ऑन टॉप राइट कॉर्नर ऑफ दिस वीडियो तो मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा बिकॉज क्वेश्चन रिलेटेड टू कैश बुक इन अनादर वीडियो उसमें मैंने कर दिया हुआ है मैं उसका लिंक यहाँ पे भी प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी बट थ्रेटिकली आई वॉन्ट टू गिव फ्यू पॉइंट्स रिलेटेड टू कैश बुक to give the understanding of cash book first it work as a journal and ledger both <coughs> cash book jo hoti hai ye journal aur ledger dono ki tarah work karti hai aur ye differentiate karti hai this is the special feature of cash book baki uh, kisi जर्नल uh, में ये फीचर नहीं है इस आ, कैश uh, बुक में ये फीचर है कि ये बिहेव लाइक जर्नल यानी बुक ऑफ प्राइम एंट्री एंड डे बुक वर्क लाइक बुक ऑफ प्राइम एंट्री और डे बुक एंड ऑल्सो लेजर मीन के टी अकाउंट भी इसी के अंदर है इसका ठीक है कि ये प्रिपेयर होगी टी अकाउंट फॉर्म में मीन इन द फॉर्म ऑफ लेजर्स रिकॉर्ड कैश बैंक एंड कैश डिस्काउंट ट्रांजेक्शन हैव डेबिट एंड क्रेडिट साइड आई हैव टोल्ड यू के इसके अंदर क्योंकि लेजर है तो लेजर की तरह इसके अंदर टी अकाउंट होगा लेजर अकाउंट होगा तो उसमें डेबिट एंड क्रेडिट साइड होगी आई हैव टोल्ड यू लेफ्ट साइड विल बी डेबिट एंड राइट साइड विल बी क्रेडिट तो ये लेजर uh, अकाउंट की तरह बनती है मतलब इसमें लेजर अकाउंट होता है ये लेजर भी है डे बुक भी है ठीक है डे बुक इसलिए क्योंकि सबसे फर्स्ट एंट्री फ्रॉम द डॉक्यूमेंट्स विल बी रिकॉर्डेड इन द कैश बुक बट दीज एंट्रीज विल बी रिकॉर्डेड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट ये किसी और डे बुक में आप नहीं देखेंगे ठीक है आई होप यू गॉट माई पॉइंट Uh, cashbook works like journal and ledger means it includes uh, the ledger account in it or is the preparation format of the cashbook uh, same like ledger account and you can uh, check it or uh, you can uh, get the detailed format and practice question of the cashbook from my other video uh, I am giving the link of that video in the description box. नो आई एम मूविंग टू द क्वेश्चन रिलेटेड टू द परचेजिस डे बुक एंड परचेज रिटर्न आउट फॉर डे बुक नो आई एम गोइंग टू डिस्कस द टाइप्स ऑफ लेजर्स लैजर्स आर टी अकाउंट्स डे बुक्स को हमने बेसिक देख लिया अब लैजर्स को देख लें फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलेंगे लेजर अकाउंट्स आर द टी अकाउंट्स देर आर थ्री टाइप्स ऑफ लैजर्स

Mr. Uh, one account for Mr. X, the other account for Mr. Y, the next account for Mr. Z. Matlab jetnabi suppliers have unke individual accounts separate ban under the heading of purchases ledger. Credit suppliers account. And sales ledger uh, includes the credit customers accounts. Individual accounts means we have different accounts for different credit customers. Single account for one customer. एंड अदर अकाउंट फॉर अदर कस्टमर मीन्स के हर कस्टमर के लिए हम अलग से अकाउंट बनाएंगे वी आर वी विल प्रिपेयर द सेपरेट अकाउंट फॉर कस्टमर्स क्रेडिट कस्टमर्स अंडर दिन द सेल्स लैजर जो सेल्स लेजर बुक है उसमें हम कस्टमर्स के क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट बनाएंगे परचेजेज लेजर बुक में क्रेडिट सप्लायर्स के अकाउंट द थर्ड बुक इज द और थर्ड लेजर इज द जनरल लेजर And in general ledger, all other accounts are prepared or maintained except credit customers, credit suppliers, cash, and bank. Cash and bank account are maintained in the cash book or cash journal because I have told you, cash book is a single book, uh, the only book which behave both or work both like journal and ledger. मीन्स के कैश बुक जो है वो जर्नल भी खुद ही है और लेजर भी खुद ही है इट्स दैट बुक बिहेव बोथ लाइक जर्नल एंड लेजर ठीक है तो वी विल नॉट प्रिपेयर कैश बैंक अकाउंट इन द जनरल लेजर एंड वी विल नॉट प्रिपेयर द कस्टमर्स क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट एंड क्रेडिट सप्लायर्स अकाउंट इन द जनरल लेजर Credit customers accounts will be available in the sales ledger and credit suppliers accounts will be available in the purchases ledger. Do not confuse with the name of purchases ledger. In purchases ledger, credit suppliers accounts are available, not purchases account. Purchases account will be available in the general ledger. And credit customers accounts are available in the sales ledger, not sales account. Never confuse with the name. रिमेंबर इन परचेजेज लैजर देर आर क्रेडिट सप्लायर्स अकाउंट नॉट परचेजेस अकाउंट यानी परचेजेस लेजर में सप्लायर्स के अकाउंट्स है परचेजेस का अकाउंट नहीं है सेल्स लेजर में क्रेडिट कस्टमर्स के अकाउंट्स है सेल्स अकाउंट नहीं है सेल्स एंड परचेजेस अकाउंट्स आर अवेलेबल इन द जनरल रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड डिस्काउंट वेजेस एक्सपेंसिस ऑल अदर अकाउंट आर अवेलेबल इन द जनरल लैजर बाकी जितने भी अकाउंट्स है वो सारे जनरल लैजर में होंगे कैश एंड बैंक कैश बुक में क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट्स, सेल्स लेजर में क्रेडिट सप्लायर्स अकाउंट्स, परचेजेस लेजर में और ऑल अदर अकाउंट्स आर अवेलेबल इन द जनरल लेजर मींस रेवेन्यू अकाउंट, रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड सेल्स रेवेन्यू अकाउंट परचेजेस अकाउंट वेजेस सैलरी एक्विटी ड्राइंग नॉन करंट ऑल अवेलेबल इन जनरल आई होप यू गॉट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस कॉन्सेप्ट नो Moving towards the question, and this question is related to purchases journal and return outward journal. I am taking uh, four, five, six, seven, eight transactions in the month of March. Uh, prepare the purchases journal, return outward journal, and post transactions in the relevant ledgers. 2018 March, the, uh, the first March. Uh, bought goods 500 on credit from Fatma, and uh, uh, Fatma is the credit supplier because we are buying goods on credit from Fatma. Uh, and in third, bought goods costing 1000 after trade discount 10% on credit from Zainab. Uh, uh, this is another purchase. Nine, uh, this is the purchase. Bought goods 850 on credit from Zainab, and 17th, bought goods 600 on credit from Fatma after discount of 50 21 return goods dollar 100 to fatima bought goods 700 on credit from zainab okay and 25th return goods dollar 150 to zainab and 28th return goods dollar 50 to fatima okay now i am moving to the solution of this question first we will prepare the purchases journal and then return outward journal and then post these transactions in the relevant ledgers and these are uh, in this uh, question there are purchases and return outwards so we have to prepare the purchases journal and return outward journal okay purchases in purchases journal देर आर वन टू थ्री फोर फाइव कॉलम्स आई हैव प्रिपेर ओनली फोर कॉलम्स बिकॉज आई डिड नॉट ड्रॉ द लाइन हियर बट यहां पर भी आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं uh, लेकिन ये एक सेपरेट कॉलम है वन कॉलम फॉर डेट दिस कॉलम फॉर पार्टिकुलर एंड डिटेल्स एंड इन वॉइस फॉलियो एंड द लास्ट कॉलम फॉर द अमाउंट and there is no debit and no credit okay and the first transaction on first march we bought goods from fatma for dollar 500 on credit and we will write the name of the supplier here and put the amount in the amount column okay on third we bought goods from zainab dollar 10 percent discount we will subtract that 10% discount from 1000 and 10% of 1000 is 100 and it will be subtracted from 1000 and the answer is 900 and this amount is posted in the amount section, uh, amount column. Okay, on the 9th we bought goods from Zainab for 850 and Fatma 17th bought goods 600 cost, 50 discount. 600 minus 5550 and 24th bought goods from dollar 700 and these are all purchases. I have recorded all purchases now make the total of the day book and the total is 3500. So this is simple. You should write the name of suppliers if you want to make any calculation related to trade discount like this. So, and then put the amount in the amount column and then at the end we will make the total of the amount column and in this case the total is 3500 this is very very easy way uh, to record the transactions in the purchases journal and return outward journal now i am moving to the return outward journal and the recording pattern is the same and here there are again same columns but uh, this column used for credit note and then folio and then amount in uh, purchases uh, journal uh, there are date particulars invoice folio and amount invoice folio or credit note and folio column remain empty because there is no information available in the question related to credit note number credit note means iska number oga document number वो क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में अवेलेबल नहीं होता हम नहीं पुट करते और फॉलियो यूज फॉर कॉन्ट्रा रेफरेंसिंग द ट्रांजेक्शन आई हैव एक्सप्लेन हैोलियो इन डिटेल इन कैश बुक लेक्चर फिर भी मैं यहां बता देता हूं कि फॉलियो जस्ट एक कॉन्ट्रा रेफरेंसिंग कोर्ड होते हैं ट्रांजेक्शनल कोर्स होते हैं वो प्लेस किए जाते हैं बट वो प्रैक्टिकल जब आप अकाउंट रिकॉर्ड्स मेंटेन करेंगे वहां देखेंगे यहां हमारे पास नहीं होते इसलिए हम फॉलियो को भी एम्प्टी छोड़ देते हैं एंड क्रेडिट नोट को भी empty uh, now I am going to record the returns here we will write the suppliers name Fatima 21st uh, March return uh, hundred humne Fatima ko hundred ki returns ki thi. and 25th we return goods 150 to Zainab and write the name of the supplier here and put the amount in the last column and 28th again we return goods to Fatima dollar fifty and these are three returns in the question and after recording these returns i am going to make the total of the return outward journal and the total is the 300 this is very easy to record the transactions in purchases journal return outward journal and same pattern will follow to record the transactions in the sales journal and return inward journal <coughs> here we are recording the name of suppliers and in sales journal and return inward journal we will record the name of credit customers okay after that we will prepare the we are discussing about the uh, purchases so we will prepare the purchases ledger first <clears throat> in purchases ledger we will prepare the uh, separate account for sub credit suppliers and we have two credit supplier uh, suppliers one is fatma and other is Zanab. <coughs> first i am going to prepare the fatma account fatma is a credit supplier credit supplier is the liability means this is the trade payable credit suppliers or trade payables are the same thing because credit suppliers trade payables and trade payables are liabilities liabilities are by nature credit so if we bought goods on credit from Fatma, then liability will increase, and this transaction will be recorded on credit side of the Fatma because Fatma is our liability. or liability increase, when we buy credit, So liability increase, credit record credit. So we bought goods from Fatma on 1st March. So, first time uh, recording the date in the date column 1st March, and then राइट द वर्ड परचेजिज बिकॉज बॉर्ड गुड्स फ्रॉम फात्मा परचेजिज एंड अमाउंट विल बी प्लेस्ड ऑन क्रेडिट साइड एंड इज द डॉलर फाइव हंड्रेड तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप अमाउंट का कॉलम होगा ना तो उसमें टॉप ईयर और मंथ लिख लें और उसके बाद आप डेट्स लेके चले. वी बॉर्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम फ्रॉम फातमा ऑन फर्स्ट मार्च एंड द अमाउंट वॉज फाइव एंड देन on 17th we bought goods from fatima and the amount was 550 and remember one thing we are taking these transactions from the day books purchases day book <coughs> and all trade discounts are subtracted there and the we are uh, we are recording the amounts from the amount column of the purchases day book and in purchases day book on 17th we bought goods from fatima that

on 21st march we return goods to fatma $100 and on 28th march we return goods to fatma again 50 after recording these transactions then we will make the total of heavier side and in this case debit side is the heavier side because uh, the total of debit side is 1050 and this total will be placed on both sides and then we will calculate the difference on smaller side एंड दिस डिफरेंस विल भी रिकॉर्डेड एज अ बैलेंस कैरी फॉरवर्ड यानी हैवियर साइड का टोटल कैलकुलेट करेंगे दोनों साइड पर लिखेंगे और लिखने के बाद हम उसमें से स्मॉलर साइट सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर देन डिफरेंस भी स्मॉलर साइट पर प्लेस करेंगे विद द नेम ऑफ बैलेंस सी एफ एंड वन मोर थिंग वाई रिटर्न आउटेड ऑन डेबिट साइड ऑफ द फातिमा बिकॉज वी रिटर्न गुड्स टू द फातिमा एंड आवर लाइबिलिटी इज गोइंग टू डिक्रीज क्योंकि हमने उसकी चीजें वापस कर दी हैं तो अब हमारी वो लाइबिलिटी तो नहीं रही ना हमने आप उसे पेमेंट तो नहीं करनी बिकॉज वी रिटर्न द गुड टू फातमा हमने उसकी चीजें वापस कर दी तो जितनी अमाउंट की हमने चीजें वापस कर दी उतनी अमाउंट से हमारी लाइबिलिटी कम होगी और जब लाइबिलिटी डिक्रीज होती है तो वो डेबिट होती है तो जब लाइबिलिटी को आपने कम करना है तो आप डेबिट करके कम करेंगे तो देट्स वाई आई है डेबिट साइड बिकॉज The liability related to Fatima is going to decrease by dollar dollars and then fifty. फिर heavier side total dono sides place the smaller side subtract करके. balance CF is always placed on smaller side and the difference is the nine hundred and this is the balance CF and last date of the March is thirty first and then very next day we will uh, brought forward this balance on first April April. बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड एंड जो कैरी फॉरवर्ड किया फॉरवर्ड हो जाएगा सेम प्रोसेस विल अप्लाई ऑन ऑन जैनब जैनब अकाउंट अकाउंट इन परचेजेस लेजर वी गुड्स अप्रैल और मार्च लाइबिलिटी है लाइबिलिटी इंक्रीज होगी जब हम उनसे परचेजेस करेंगे तो फिर

क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं क्योंकि लाइबिलिटी को इंक्रीज करना है हमने ऑन दी अदर हैंड वी रिटर्न द गुड्स टू दैनब द विल लाइबिलिटीज एंडर वन फिफ्टी एंड लाइबिलिटी इज डिक्रीज सो आई द डेबिट साइट आफ्टर दैटिंग ऑल ट्रांजेक्शन सारी रिकॉर्ड हो गई है आई एम गोइंग टू Make the total of heavier side, which is 2450 and credit side is the heavier side. And this total is placed on both sides and then calculate the difference on smaller side and which is equal to 2300. This is balance carry forward and very next day we will brought forward the balance carry forward. Usi ko hum brought forward kar denge, jo humne carry forward kiya. Remember one thing. आई एम टेकिंग द परचेज वैल्यू फ्रॉम द परचेज एंड आई एम टेकिंग द रिटर्न वैल्यूज एंड रिटर्न ट्रांजेक्शन जर्नल और प्रैक्टिकली भी यही होता है कि डॉक्यूमेंट से रेलिवेंट डे बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो जाती हैं और उसके बाद फिर डे बुक से ही ट्रांजेक्शन आगे लेजर अकाउंट्स में जाती हैं तो परचेजेस क्रेडिट uh, परचेजेस की ट्रांजेक्शन परचेजेस डे बुक से या परचेजेस जर्नल से पिक की जाती हैं और परचेजेस लेजर में डिफरेंट सप्लायर्स के अकाउंट्स बने होते हैं वहाँ रिकॉर्ड हो जाती हैं और सिमिलरली रिटर्न आउटवर्ड की ट्रांजेक्शन रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में से ली जाती हैं और वो भी सप्लायर्स के अकाउंट्स में रिकॉर्ड हो जाती हैं। आफ्टर दैट वी विल प्रिपेयर दर्नर आई एम शोइंग यू दर्नल लैजर एंडेजेज अकाउंट एंड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट आर अवेलेबल इन जनरल तो परचेजेज अकाउंट परचेजेज आर बाय नेचर डेबिट एंड रिकॉर्ड द टोटल ऑफ परचेज डे बुक अब वन बाय वन ट्रांजेक्शन नहीं लाइक like आपने देखा देखाज लेजर में हमने सप्लायर्स के अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन को वन बाय वन रिकॉर्ड किया अकॉर्डिंग टू डेट यानी अगर एक आ, बंदे ने थ्री टाइम्स परचेजेस की थी तो हमने थ्री टाइम्स रिकॉर्ड किया लाइक जैनब ने थ्री टाइम परचेजेस हमने जैनब से की थी तो हमने थ्री टाइम उसको रिकॉर्ड किया टू टाइम्स हमने फातिमा से परचेजेस की थी हमने टू टाइम्स फातिमा में रिकॉर्ड किया बट हियर इन जनरल लेजर वी विल रिकॉर्ड द टोटल ऑफ डे बुक वन टाइम यानी जो डे बुक का टोटल है वो हम यहाँ रिकॉर्ड करेंगे एंड द टोटल ऑफ द पर बुक और परचेजेज जर्नल वॉज दर्टी फाइव हंड्रेड एंड दिस विल भी रिकॉर्डेड हियर एट थर्टी फर्स्ट मार्च एंडेजेज इज डेबेड बिकॉज बॉड गुड्स तो इससे परचेज हमारी इंक्रीज हो रही हैं परचेज बाई नेचर डेबिट होती हैं तो जब इंक्रीज हो रही हैं तो वह डेबिट होंगी एंड वी विल राइट दन ट्रेड पेबल्स वर्ड हियर

And similarly, we will record the return outwards in the return outward journal on the credit side because return, uh, return outward account on the credit side because return outwards are by nature credit. So, increase on so the credit side. And same, we will use the trade payables. We will not use the name of different suppliers. Because there are suppliers, we will use general word trade payables. In details, में. या फिर हम सनड्राई पेबल्स लिख देंगे और अमाउंट विल बी प्लेस्ड ऑन द क्रेडिट साइड क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड क्रेडिट होती है और इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट होंगी देन यू कैन बैलेंस ऑफ दीज अकाउंट्स इन सिमिलर मैनर आई एम नॉट गोइंग टू बैलेंस दीज अकाउंट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू वेस्ट फर्दर टाइम क्योंकि ये बहुत ईजी है एक ही साइड पर ट्रांजेक्शन है बैलेंस करना बहुत आसान है नो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि जनरल लेजर में परचेजेस एंड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट आएंगे और इंडिविजुअल सप्लायर्स के अकाउंट परचेजेस लेजर में में है और वहां पे हम हर सप्लायर उसकी जितनी भी ट्रांजेक्शन हैं वो वन बाय वन रिकॉर्ड करते हैं बट इन परचेज जनरल लेजर में परचेजेस एंड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में हम परचेजेस में परचेजेस डे बुक या परचेजेस जर्नल का टोटल प्लेस कर देते हैं विद द नेम ऑफ ट्रेड पेबल्स एंड रिटर्न आउटवर्ड जर्नल में रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट में रिटर्न आउटवर्ड जर्नल का हम टोटल यहाँ प्लेस कर देते हैं विद द नेम ऑफ ट्रेड पेएबल्स क्योंकि रिटर्न आउटवर्ड भी हम ट्रेड पेएबल्स को कर रहे हैं तो ये उसी से रिलेट कर रहे हैं ट्रेड पेबल्स से इनको सनड्राई पेएबल्स भी क्या देते हैं और ट्रेड पेएबल्स अब ये नेम हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम इंडिविजुअल सप्लायर के अलग अलग नाम नहीं लिखेंगे क्योंकि हम टोटल ले रहे हैं ना उसमें एक से ज़्यादा सप्लायर्स होते हैं तो हम एक जनरल नेम जो उनका है ट्रेड पेएबल्स वो यहाँ यूज़ करेंगे या सनड्राई पेएबल्स का वर्ड यूज़ करेंगे

Sold good 600 on credit to nabil Now I am going to prepare the sales journal first and remember this transaction record Same columns, just change the title of the day book. This is the sales journal. First column for the date, then details, an invoice, folio, and amount. We will not use any uh, we will not record any information under the इन इन वॉयस कॉलम और फॉलियो कॉलम आई हैव एक्सप्लेन के इन वॉइस नंबर भी हमें नहीं दिया होता फॉलियो भी नहीं दिया होता तो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द फर्स्ट ट्रांजेक्शन गुड्स टू द नबील डॉलर सिक्स हंड्रेड एंड वी विल राइट द नेम ऑफ क्रेडिट कस्टमर्स हियर इन डिटेल सेक्शन ओके एंड डेट इन द डेट कॉलम एंड अमाउंट इन द अमाउंट कॉलम ऑन थर्ड या वी सोल्ड गुड्स टू इमरान ऑन क्रेडिट वन एंड नाइन्थ सोल्ड गुड्स टू इमरान ऑन ऑफ फॉर 800 डॉलर क्रेडिट सेल्स हम यहां पे रिकॉर्ड कर रहे हैं क्रेडिट सेल्स टू नबील 500 एंड क्रेडिट सेल्स टू नबील अगेन ऑन ट्वेंटी डॉलर 700 तो हमने जितनी भी ट्रांजैक्शंस थी उनकी पूरे मंथ की वो हमने रिकॉर्ड कर ली देन आई विल मेक द टोटल ऑफ द डे बुक थर्टी सिक्स हंड्रेड हमने टोटल कर लिया डे बुक का सिम सिमिलरली अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ जाते जाते क्लियर कर दूँ फिर आपको कि डेली बेसिस पे ये ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होती हैं इन डे बुक्स में ठीक है दैट्स वाई दे आर कॉल्ड डे बुक्स ठीक है वो रिकॉर्ड करते हैं और उसके बाद हम इनका टोटल करते हैं और टोटल करने के बाद ये टोटल हम जनरल लेजर में जिन अकाउंट से ये रिलेटेड होती हैं जनरल लेजर में उन अकाउंट में पोस्ट करते हैं बट यहाँ से इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन वन बाय वन करके हम इनके इंडिविजुअल कस्टमर क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट जो कि सेल्स लेजर में होंगे वहां पोस्ट करेंगे एंड यू विल सी कि हम कैसे पोस्ट करते हैं नो आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इन द रिटर्न इनवर्ट जर्नल इन रिटर्न इनवर्ट जर्नल देर आर थ्री ट्रांजेक्शन ऑफ द रिटर्न दिस इज द क्रेडिट नोट फॉलियो अमाउंट एंड डेट एंड डिटेल कॉलम दिस इज द डिटेल कॉलम बट हम क्रेडिट नोट में नंबर नहीं होते हमारे पास वॉलीव नहीं होता हम वो नहीं लिखते ऑन ट्वेंटी फर्स्ट मार्च इमरान रिटर्न गुड्स डॉलर वन हंड्रेड एंड एंड ट्वेंटी फर्स्थ ट्वेंटी फिफ्थ मार्च नबील रिटर्न गुड्स डॉलर वन फिफ्टी एंड ट्वेंटी एट्थ मार्च नबील अगेन रिटर्न गुड्स डॉलर फिफ्टी एंड दीज आर थ्री रिटर्न एंड वी आर गोइंग टू मेक द टोटल ऑफ दीज थ्री तो रिटर्न इनवर्ड का टोटल हो गया 300 तो हमने रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड का टोटल कर लिया है नो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द सेल्स लेजर इन सेल्स लेजर वी विल प्रिपेयर द इंडिविजुअल कस्टमर्स क्रेडिट कस्टमर्स अकाउंट द फर्स्ट क्रेडिट कस्टमर इज द नबील एंड क्रेडिट कस्टमर्स आर आवर ट्रेड रिसीवेबल एंड ट्रेड रिस आर बाय नेचर डेबेट इफ एनी ट्रांजेक्शन विच इनक्रीज द ट्रेड रिसीवेबल रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन ऑन द डेबिट साइड ऑफ देयर रिसीवेबल्स बढ़ेंगे तो हम डेबिट करेंगे uh, रिपीट कर रहा हूँ बाय नेचर डेबिट होते हैं तो जब हम इन्हें क्रेडिट सेल्स करेंगे तो हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज होंगे तो ये डेबिट होंगे तो हम क्रेडिट सेल्स इनके अकाउंट में डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे ऑन फर्स्ट मार्च सेल्स आर रिकॉर्डेड विद द नेम ऑफ रेवन्यू और सेल्स So due to credit sales, the receivables increase and in receivable account of increase so I'm placing this amount on the debit side 600 and on 17th March again, we sold goods to the Nabil and our receivables are increased 500 24th revenue 700 means sold goods to Nabil 700 and these are three transactions which are actually sold goods. तो नबील तो ये इससे हमारे रिसीवेबल्स इंक्रीज हुए हैं यह तीनों ट्रांजेक्शन डेबिट साइड पे आ गई ऑन द अदर हैंड नबील रिटर्न गुड्स टू तो अस अगर वो हमें चीजें रिटर्न कर देगा तो उसकी वजह से हमारे रिसीवेबल्स कम हो जाएंगे मीन उसने हमारी चीजें वापस कर दी हैं अब हम हमें उसने कम अमाउंट पे करनी है तो ड्यू टू तो रिटर्न रिसीवेबल विल डिक्रीज तो जब रिसीवेबल डिक्रीज होंगे तो रिटर्न विल बी प्लेस्ड ऑन क्रेडिट साइड On 25th March return invert 150 placed on credit side of the Nabil account. And then on 28th March return invert dollar 50 are recorded on the credit side of the Nabil because due to these returns the receivables are in decreased. That's why these returns are placed on the credit side of that trade receivable account and Nabil is the trade receivable. After that, we will make the total of the heavier side, and in this case, the debit side will be the heavier. Trade payables, my credit side heavier, or trade receivable, my debit side heavier. Hoti hai. Sales ledger, my upke trade receivables ke al alag -alag accounts, or nabil ka account bana rahe. Heavier side total is placed on both sides, and then calculate the difference on of the heavier side and the smaller sides, and placed on the smaller side with the name of balance CF.

जिसको कैरी फॉरवर्ड किया उसी को ब्रॉड फॉरवर्ड करना है आपने नो आई एम गोइंग टू प्रिपेयर द इमरान अकाउंट एंड सेम विल अप्लाई ड्यू टू क्रेडिट सेल्स इमरान ट्रेड रिसीवेबल विल द बैलेंस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अंडर द नेम ऑफ इमरान विल इंक्रीज सो आई विल प्लेस द सेल्स ऑन डेबिट साइड ऑफ द इमरान अकाउंट थर्ड मार्च सोल्ड गुड्स टू इमरान वॉज वन थाउजेंड एंड Uh, this uh, transaction are posted, uh, is posted on the debit side of the Imran account. And 9th March revenue 800 means on 9th March we sold goods to Imran 800 on credit. And due to these two transactions, the trade receivables are increased. That's why I have placed these transactions on the debit side of the trade receivable. Imran is actually the trade receivable, we have to receive amount. बिकॉज गुडस ऑन क्रेडिट टू इमरान हमने क्रेडिट पर इमरान को चीजें सेल की हैं हमने उससे अमाउंट रिसीव करनी है इसीलिए यह रिसीवेबल है इसलिए डेबिट साइड पर आ रही है इफ़ इमरान रिटर्न गुड्स टू अस तो उससे हमारे रिसिवेबल डिक्रीज हो जाएंगे तो वी विल प्लेस द रिटर्न ऑन क्रेडिट साइड रिटर्न मीन सेल रिटर्न गुड्स टू इमरान एंड रिटर्न गुड्स टू अस और उससे रिसिवेबल कम हुए

अप्रैल फर्स्ट बैलेंस हंड्रेड जिस साइड पे आपने कैरी फॉरवर्ड किया है उसके अपोजिट साइड परिपेयर दैजर एंड इन जनरल इनवर्ड अकाउंट एंड रेवेन्यू अकाउंट जैसे परचेजेज डे बुक्स के क्वेश्चन में हमने प्रिपेयर किया था परचेज अकाउंट एंड रिटर्न आउटवर्ड अकाउंट तो इन Sales-related uh, question. We will prepare the return inward account and revenue account or sales account. Okay, return inwards are by nature debit. So we will place the total of the return inward day book on the debit side, which is the 300. I think 300, uh, 300, with the name of trade receivables because return inwards. जितनी भी हुई है वो हमें ट्रेड रिसीवेबल से हुई है ना जिनको हमने क्रेडिट पे सेल्स की थी तो उनकी वजह से हमारे रिटर्न इन्वर्ट डेबिट हो गए और हम यहाँ पे उन बंदों के नाम अलग अलग नहीं लिख सकते क्योंकि ये एक से ज्यादा कस्टमर्स होते हैं आपके तो उनको हम एक जनरल नेम जो उनका आप कह लें कि एक्चुअल नेम है बेसिकली वो ट्रेड रिसीवेबल्स ही है ना तो वो उनके हम ट्रेड रिसीवेबल के नाम से रिकॉर्ड कर देते हैं ठीक है क्योंकि हमने ये जनरल लेजर का मैंने आपको बताया रूल है कि यहां डे बुक्स के टोटल आते हैं इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन नहीं आती कि वन बाय वन करके आए और जो परचेज लेजर और सेल्स लेजर है वहां पर इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन अलग अलग आती हैं इसीलिए आपने देखा होगा कि कस्टमर्स के अकाउंट्स में भी कई कई ट्रांजेक्शन आती है इसमें एक ही आएगी जनरल लेजर में ट्रेड रिसीवेबल्स का हमने डे बुक का टोटल पुट कर दिया रिटर्न इनवर्ड की डेबिट साइड पे और सिमिलरली सेल्स और रेवेन्यूज आर इनकम एंड इनकम्स आर क्रेडिट बाय नेचर सो वी विल प्लेस द टोटल ऑफ द सेल्स डे बुक ऑन क्रेडिट साइड ऑफ द सेल्स अकाउंट्स क्योंकि इनकम सेल्स की वजह से हमारी इनकम इंक्रीज हो रही है तो क्रेडिट साइड पर लिख देंगे एंड अगेन वी विल यूज़ द ट्रेड रिसीवेबल वर्ड्स हम हर कस्टमर का नेम यहाँ पे नहीं लिखेंगे बल्कि वी आर प्लेसिंग द टोटल ऑफ डे बुक्स हेयर तो हम यहाँ पे उनका जनरल नेम यानी ट्रेड रिसिवेबल्स लिख देंगे एंड वी विल प्लेस द टोटल ऑन द लास्ट डेट ऑफ द मंथ और ईयर अगर ईयर का बना रहे हैं तो ईयर एंड पे होगा अगर मंथ का बना रहे हैं तो मंथ के एंड पे हम ये टोटल्स प्लेस करेंगे एंड देन वी कैन ईजिली बैलेंस ऑफ दीज अकाउंट्स बट मैं नहीं कर रहा क्योंकि जरूरत नहीं है ठीक है आप करना चाहें बैलेंस सी कर लें उसी तरह हैवियर साइड टोटल ऑन बोथ साइड्स एंड देन पुट द बैलेंस सी एफ डिफरेंस ऑफ द हैवियर एंड स्मॉलर साइड एंड बैलेंस सी एफ ऑन द स्मॉलर साइड और उसी सी एफ को वेरी नेक्स्ट डे हम बैलेंस सी एफ को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड कर देंगे दैट्स इट आई होप कि आपको ये समझ आ गई होगी रिकॉर्डिंग बहुत इजी है इसकी रिकॉर्डिंग करना इफ यू नीड फर्दर प्रैक्टिस क्वेश्चन यू मे विजिट माय वेबसाइट www.atpworld.net और यू कैन कंसल्ट योर कोर्स बुक्स वहां पे भी आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल जाएंगे एंड रिमेंबर वन थिंग डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल क्योंकि आपको और साथ आपने बेल आइकॉन को भी प्रेस करना ताकि आपको मेरी फर्दर जो अकाउंटिंग से रिलेटेड वीडियोस हैं जो फर्दर लेक्चर्स आ रहे हैं उनके नोटिफिकेशंस भी टाइमली मिल सकें और आप उनको देख सकें तो एक यहाँ मैं आपको और एडवाइस करूँगा कि आप अपनी कोर्स बुक को देख के दूसरा टॉपिक्स को देख के लेक्चर सर्च करें और फिर उनको वॉच करें आपको ज़्यादा अच्छा समझ आएगा क्योंकि यहाँ लेक्चर्स रैंडमली मैं पोस्ट करता हूं सिलेबस uh, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग नहीं है टॉपिक टू टॉपिक आ रहे हैं यू जस्ट सर्च यूर टॉपिक या अपना रिक्वायर्ड टॉपिक जो आपके माइंड में है उसको सर्च कीजिए और उससे रिलेटेड लेक्चर्स को आप वॉच कर लें इनशाला आपको दूसरा आपके प्रॉब्लम्स और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे ठीक है यू शुड फॉलो योर ओन सिलेबस एंड देन सर्च द टॉपिक्स इन माय चैनल ठीक है तो उससे रिलेटेड वीडियोस आपको इनशाला मिल जाएंगी we will meet inshallah next time or with new video related to new topic till then allah hafiz